हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आप सब देख ही रहे हैं कि यहाँ पर स्कॉर्पियो का विंडशील्ड ग्लास चेंज होने जा रहा है। तो वीडियो में तो आपको सब कुछ दिखेगा ही कि कैसे कैसे ये लोग कर रहे हैं चेंज। बट क्या है कि इसके पीछे एक छोटा सा रीज़न ये भी है वीडियो बनाने का, कि इसका क्लेम कैसे पास होता है। बहुत से लोग क्लेम को लेके भी परेशान होते हैं, छोड़ो ना यार, कि क्या शीशे के पीछे छोटा सा शीशे का खर्चा ही है, उसके पीछे क्या हमें इंश्योरेंस कंपनी के पीछे भागे, फिर हमारी गाड़ी भी गैरेज में 4 से 5 दिन खड़ी रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता था फ्रेंड्स। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपने गाड़ी का कैसे शीशा चेंज करवाया, जिसमें मेरा हाथों हाथ शीशा भी चेंज हो गया और मेरा क्लेम भी पास हो गया। तो मेरा जिस किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस था, मैं नाम नहीं लूँगा कि किस कंपनी से मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस था, तो जिस किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस था, तो पहले मैंने उनको फ़ोन लगाया। उनको फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने नियरेस्ट जो मेरी शॉप्स थी उनका नंबर दिया कि सर, आपके घर के पास ये शॉप पड़ेगी, आप यहाँ पर चले जाइए, हो जाएगा चेंज, 2 से 3 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप नंबर दीजिए। फिर उन्होंने नंबर दिया मुझे, मैंने कॉल किया उस शॉप पे। शॉप पे कॉल करने के बाद मैंने उसको बताया कि भाई, मेरे को हाथों हाथ चेंज करवाना है, मुझे रुकना नहीं है, अपनी गाड़ी देनी नहीं है, मुझे जाना है कहीं। तो उन्होंने कहा सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर उससे पहले हमारा जो इंश्योरेंस ऑफिसर है वो आप आके आपकी गाड़ी एक बार फ़ोटो वगैरह खींच के लेके जाएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। उसने मेरे को नंबर दिया, मैंने इंश्योरेंस ऑफिसर से बात करी। नेक्स्ट डे हमारी डील डन हुई इंश्योरेंस ऑफिसर के साथ कि भाई आप 10 बजे तक इस जगह आ जाओ। मैं गया, उसने फ़ोटो खींची। फ़ोटो खींचने के बाद मैं सीधा शॉप वाले के पास गया कि भैया मेरी गाड़ी का शीशा चेंज करो। और उसने कहा ठीक है, उसने हमारा गाड़ी का शीशा चेंज किया, पर उसने उसकी कंडीशन ये थी कि शीशे के हमें पूरे पैसे देने होंगे, उसमें कुछ भी कटौती नहीं होगी, शीशे के हमें पूरे पैसे देने होंगे। शीशे के हमने उसको पूरे पैसे दिए, जो भी मतलब मेरा जो शीशा था ये 5500 का लगा था, AIS कंपनी का, तो 5500 रुपये हमने पूरे पे किए, 2000 रुपये इसमें फाइल चार्ज था। तो उसने यही कहा था कि भैया आपका जो भी क्लेम है, अगर 100% पास हो जाता है, 2000 रुपये सिर्फ फाइल चार्ज देना होगा, अदरवाइज 50% पे आपका होता है तो आपको 2250 रुपये देने होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बट हमने उस वक्त पूरी पेमेंट करी। उसके बाद जब 3 से 4 दिन बाद क्लेम हमारा पास हो गया था, तो जब क्लेम हमारा क्लियर हो गया, तो फिर जो भी शॉप वाला था उसने हमें हमारे पैसे रिटर्न दे दिए, फ़ोन पे कर दिए थे। तो मेरा तो ये प्रोसेस था। और एक चीज़ और दोस्तों, जो ये शीशे के साथ साथ रबड़ होती है, इसकी साइड की रबड़, ये भी क्लेम में आती हैं, ये भी आपके क्लेम पास करवाती हैं। और इसमें शीशा चेंज करवाने में एक चीज़ वो ये है कि आपका फास्टैग डैमेज हो जाएगा, फास्टैग नहीं बचता। ये लोग बचाने की कोशिश करते हैं, किस्मत वाले होते हैं जिनका फास्टैग बच जाता है, अदरवाइज़ फास्टैग तो किसी का भी नहीं बचता, सबका ही डैमेज होता है। मेरा भी डैमेज हुआ था। चलो ठीक है फ्रेंड्स, अब बाय। शीशा तो चेंज हो ही चुका है, अब कर भी क्या सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।